हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फरहत की दुनिया में। दोस्तों, ये किचन से निकलने वाले छिलके हैं जिन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, सुखा लेती हूँ। थोड़े थोड़े रोज़ जो भी प्याज अदरक लहसुन के छिलके निकलते हैं, फल सब्ज़ी के छिलके, उन्हें सुखा कर इस तरह स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह ये काफ़ी सारे जमा हो गए हैं और आज मैं इनका पाउडर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए पाउडर तैयार करते हैं। दोस्तों, इन छिलकों को थोड़ा थोड़ा पॉट में डालकर घुमा लेंगे और दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये खाद वैसे ही काम करती है जैसे वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन है तो मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल तो नहीं करती हूँ, मेरा काम इसी से चल जाता है। आपके पास भी अगर छोटा सा गार्डन हो तो आप भी ऐसा करके देखिए, 100% रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, मैं पॉट के लिए मिट्टी तैयार करते वक्त नॉर्मल सॉइल लेती हूँ 60%, 20% लेती हूँ कंस्ट्रक्शन सैंड और 20% लेती हूँ किचन कंपोस्ट। दोस्तों, किचन वेस्ट से तैयार खाद एक बेहतरीन खाद होती है, तो आप भी अपने किचन वेस्ट को फेंकिए नहीं बल्कि सुखाकर इस तरह खाद तैयार कर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, मिक्सर में घूमकर ये इस तरह का दरदरा पाउडर तैयार हो गया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर या पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि सूखा होने की वजह से इसमें बदबू बिल्कुल नहीं आती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। तो खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।